बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम का तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। जब आप छपरी लोगों को या जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैंस के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता, ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है। मैंने भी नहीं लगाया, ना ही किसी क्रिकेटर ने लगाया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही बाबर आजम ने खुद लगाया, ये फैंस ने लगाया। ये बोलते हैं किंग बाबर आजम, इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव हूं। नहीं यार बाजी, नहीं इस तरह नहीं, मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूँ। दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो तुम आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको इसका कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था, उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता, क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं। जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, समझ आती है आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो। अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। ये खुद को विराट कोहली समझता है मेरे छनकने का किंग, मेरे बॉब्जी, और मेरी बात सुनने का तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है मेरी नजर में, तो अभी भी कुछ नहीं है। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ, आपको जवाब देना चाहिए। सर्कस बना के रख दिया है और ये पाकिस्तानी बोर्ड एक जोक बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक बन चुकी हुई है। इसमें दो एस्पेक्ट बनते हैं, एक ये कि बाबर आजम कहीं जा रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एकदम वो बाहर निकले तो फैंस आए हैं तो उनको बुरा लगा होगा, या उनको लगा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, या फैंस वाकई शायद उनको देख के जरा बेकाबू हुए और एकदम उनके ऊपर आ पड़े। जो मेरे गड्ढे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया, मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे। अबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग को और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर क्रिकेट के ब्रांड के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा होगा कि किस तरह से बाबर आजम ने फैंस के साथ बदतमीजी किया है, जिसके बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं आपको बता दें कि बाबर आजम ने ऐसा पहली बार नहीं किसी फैंस के साथ बदतमीजी किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की टीम इसके मतलब साल भर पहले जब इंग्लैंड में गई हुई थी, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम फैंस के साथ बदतमीजी करता हुआ वहां पर भी नजर आया था और वो भी जमकर वीडियो वायरल हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ इस तरह की बदतमीजी करना इतनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रही है और बाबर आजम अपने सबसे खराब मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं इस टाइम है, लेकिन वो फैंस के साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहा है जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया उसे जमकर ट्रोल कर रही है। बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम का तस्वीर खिंचवाने, बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो बोलने का तरीका होता है, बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया, तस्वीर तो उसने खिंचवा दी। लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब के जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, समझ आती है आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो। अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया कि बाबर आजम, आपको याद है
लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिस वजह से ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके तस्वीर खिंचवाने की तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पर रखना है तरीके से मना कर दो, लेकिन ऐसे बिहेव करना दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता। आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जो टिपिकल औकात होती है ना वो भूल जाते हैं वो लोग। ऐसी ही एक वीडियो निकल के आई है मेरे सो कॉल्ड बॉब्जी द किंग की, भाई जो बंदा अपने फैंस को ही रिस्पेक्ट नहीं ना करता, अपने फैंस को इज्जत नहीं देता, वो चले मेरे छनकने पे आ गए और ये घंटे का किंग ने ये किया है। भाई मेरे मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बेटा, ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे, मेरे छनकने में बजे आकर मुझे परवाह नहीं है, यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो। मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा है बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है, मैंने एक बार भी इसके साथ देखा भी नहीं है, सेल्फी तो दूर की बात है, मैं क्यों सेल्फी लूं इसके साथ, मेरे चले ना छनकने पे आगे। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जो सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। मैं देखता कि यहां पर कोई गोरा होता, कोई इंग्लैंड के फैंस होते, कोई किसी और कंट्री के फैंस होते, बाबर उनके साथ इसी तरह पेश आता, बिल्कुल नहीं। इसके जो फैंस है ना 2% के फैंस, इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है। बेटा इसकी जो हिलाक है ना, ये घंटे का अब सुनते जाएगा, ये आया, ये जा रहा है, ये घंटे का किंग जा रहा है, ये सुनते जाएगा, ये हाँ 2 मिनट दो, दो मिनट दो, मेरे ऊपर नहीं चढ़ो, उलझन हो रही है मुझे, ये बोल रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को ट्रोल कर रही है कि उनको अपने फैंस के साथ इस तरह की व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैंस के वजह से ही बाबर आजम किंग की मतलब किंग माने जाते हैं, ऐसा इन पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान टीम दिखा रही है और जिस तरह से प्रदर्शन बाबर आजम दिखा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तानी मीडिया इसे जमकर ट्रोल भी करती है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम अपने मतलब फैंस के साथ बदतमीजी कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया, और पूरी मतलब क्रिकेट फैंस जितने हैं वो इसको ट्रोल कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया भी इसे जमकर ट्रोल कर रही है कि बाबर आजम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बाबर आजम की इस तरह की पहली बार करतूत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में सीरीज खेलने गई थी, उस समय पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाई, और जब बाबर आजम से पाकिस्तानी फैंस जो उनके फैंस हैं वो सेल्फी लेने गए, तो बाबर आजम ने साफ सा मना कर दिया हम सेल्फी नहीं लेंगे, और उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद से मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने और पाकिस्तानी मीडिया ने इसे जमकर ट्रोल किया था। लेकिन एक बार फिर से वीडियो सामने आया कि बाबर आजम ने फैंस के साथ बदतमीजी की है, और सिर्फ फैंस की इतनी ही गलती थी, फैंस सेल्फी लेकर कंधे पर हाथ रखा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे फैंस की कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई, और बाबर आजम की इस तरह की रवैया को देखकर क्रिकेट फैंस कितने नाराज हो रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसे जमकर ट्रोल कर रही है कि बाबर आजम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।